सोलिवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं मेरा फर्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं आज का फर्स्ट व्लॉग मेरा कैसा बनता है। और आज हम जा रहे हैं हमारे गाँव और ये है मेरे बच्चे, तो मिलिए। ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बिटिया और ये है मेरे भाई की बिटिया। तो ये कल रात से यहीं पे है बुआ के साथ। और ये है मेरी बड़ी बिटिया, सबसे बड़ी बिटिया, तो मिलिए इन सबसे। ये है मेरी फैमिली। हेलो बोलो सब जने। हेलो। तैयारी हो चुकी है हमारी गांव जाने की, तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। आज हम यहाँ से पैदल जाएंगे और फिर ऑटो करेंगे और फिर ऑटो में बस तक जाएंगे, तो मिलते हैं फिर से। हाय, हम जा रहे हैं अब ऑटो में, क्योंकि मेरे भाई ने प्राइवेट बस करी है, तो हम उस बस में जाएंगे। और ये है मेरी पूरी फैमिली, तो बस रवाना होने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। पानी की बोतल देना। आप गाँव में ये है नाथू द्वारा। हम शनाथ जी की नगरी में पहुंच चुके हैं अब। और ये है मेरे भोलेनाथ, बस इससे थोड़ा ही आगे हमारा गांव आएगा, तो उससे पहले ये सब लेडीज़ गीत गाने लग गए हैं, जो हमारे कुलदेवता के गीत गाए जाते हैं। तो बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं गांव। और ये हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव, मेरा प्यारा सा गांव, खूबसूरत सा। हम आ चुके हैं हमारे गांव में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आप, सब तरफ मोर ही मोर। और ये है हमारी कुल देवी चावंडा माता। माता रानी सबको स्वस्थ रखे। और अब हम बहुत थक चुके हैं, बस का सफ़र किया है, तो हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर से मिलते हैं। ये हमारे कुलदेवी का श्रृंगार धराया जा रहा है, फिर पूजा आरती होगी।
यहाँ हम बैठे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं। ये मेरे अंकल हैं और उनके पास मेरे पापा बैठे हैं और फिर मेरे ताऊ जी और ये मेरी बिटिया नाना जी की लाडली उनकी गोद में सो रही है। और यहाँ पे ये कल के खाने की तैयारी के लिए लहसुन छिली जा रही है और ये सब जने मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी मम्मी है जो स्माइल कर रही है और ये हमारे बावर्ची साहब खाना बना रहे हैं, अभी शाम का खाना जो हम सब जने गए हैं तो आप सबको भूख भी लग रही है, तो ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही है। बस अब थोड़ी देर में सब जने खाना खाएंगे। और ये यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है और सब खाना खा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। हेलो। अभी और ये यहाँ पे अब सब जने रात्रि जागरण के गीत गा रहे हैं जो देवी देवता के गाए जाते हैं, तो सब जने वही गीत गा रहे हैं यहाँ पे। और अब ये जागरण की हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं, तो सब मिलके मेरी सिस्टर भाभी सब मिलके हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। यहाँ पे अभी मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाई जा रही है क्योंकि मैं उस हाथ से मेहंदी लगी हुई थी तो इधर मेहंदी नहीं लगा पा रही थी, तो ये मेरी आंटी है, मेरी आंटी मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रही है। और ये है मेरे भाई साहब जो है ना रात्रि जागरण में सबको चाय पिला रहे नींद जगाने के लिए, और यहाँ हम सब चाय पी रहे। और ये मेरी बड़ी दीदी है वो जो बैठी है लाल साड़ी में। और ये रात के 2 बज रहे हैं तो अब सब जने सो चुके हैं और माता जी के यहाँ पे खुली छत में, और ये बच्चा और ये सारे बच्चे जो पूरी रात्रि जागरण तो इन्होंने ही किया है, पूरी रात जगे हैं सब बच्चे मिलके, हम सब तो सो गए थे। अब ये हो गई है मॉर्निंग, गांव की सुबह कितनी प्यारी लगती है देखिए आप। और ये मोर, सुबह बहुत सारे मोर आते हैं यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है हमारा गांव और हम नहा के रेडी हो चुके हैं। और ये है मेरी बड़ी सिस्टर और वो है मेरी छोटी सिस्टर। देखो ये हमारे बेटा जी ट्रैक्टर चला रहे हैं। अरे सामान देखो जल्दी, सामान देखो जल्दी, सामान देखो अभी रखते। ये हम अब सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, पोहे और चाय, सबसे बेस्ट नाश्ता है, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे माता जी के भोग वगैरह लगा के, और फिर यहाँ पे माता जी की चौकी होती है जिसमें माता जी पधारते हैं, तो ये माता जी पधारे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये देवरे मंदिर जो होते हैं इनमें ऐसे चौकी होती है,
और बहुत मान्यता है इनकी, तो सब धोक दे रहे हैं उनको। ये प्रसादी का आयोजन भी मेरी मम्मी की वजह से रखा गया है, क्योंकि उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये है मेरी मम्मी, इनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो भी ये सही नहीं हुए थे। तो मेरे भाई ने यहाँ माता जी के प्रसादी बोली थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये आज आयोजन रखा गया है। भगवान सबकी माँ को स्वस्थ रखे। और यहाँ पर ये मेरी भतीजी है, इसका बर्थडे है, तो इसका बर्थडे मनाया जा रहा है। माता जी के यहाँ पे केक नहीं काट सकते, इसलिए ये मलाई बर्फी काट करके अपना बर्थडे मना रही है। तो ये मलाई बर्फी काट के सबको खिला रही है। और ये यहाँ पे बन रहा है भोजन, और ये दाल बाटी बन रही है यहाँ पे। गांव में खाना हो और दाल बाटी ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बनी है दाल बाटी और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। और ये है कढ़ी, और ये है चावल, और यहाँ पे बस ये खाना बन ही चुका है, और बस ये खाना बनने की तैयारी। ये मेरे जिया जी हैं, तो सभी में काम में बहुत हेल्प कराते हैं ये। और ये है बड़े ही डिलीशियस लड्डू। तो बस खाना तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये मेरे पापा यहाँ पे माता रानी को भोग लगा करके, सबसे पहले जो माता रानी के जो सेवक होते हैं उनको भोजन कराया जाता है, तो ये वही हो रहा है। तो ये सब पहले भोजन करेंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। इसके बाद इन सबको भोजन कराने के बाद कन्या को भी भोजन कराया जाएगा। तो यहाँ पे कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि है, तो हिंदू वर्ष का नव वर्ष 2079। उसके बाद ये सब परिवार वाले भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम भी दाल बाटी का आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद ये जो नौ कन्याओं को भोजन कराया था, तो उनको चुनरी ओढ़ाई जा रही है और दक्षिणा दी जा रही है। कहते हैं नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको ये चुनरी ओढ़ा करके उनको दक्षिणा दी जाती है। तो कि वही ये मेरे भाभी हैं, और उसके बाद मैं भी कन्याओं को चुनरी ओढ़ा करके उनको दक्षिणा दे रही हूँ। बच्चों को ये सब बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये भी मैं उनको दक्षिणा दे रही हूँ अब, और माता रानी का आशीर्वाद ले रही हूँ। नौ कन्याओं को जिमाने के बाद भैरव जी को भी खाना खिला के उनको भी दक्षिणा देना मान्यता है, तो यही मेरी मम्मी मेरे बेटे को भी दक्षिणा दे रही है और भैरव जी का आशीर्वाद ले रही है, और वो मेरा बेटा आशीर्वाद दे रहा है मम्मी को। उसके बाद ये सब जने यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। और यहाँ हम बैठे हैं, ये पापा और मेरी डिस्कशन चल रही है। बहुत ही गंभीर से डिस्कशन चल रही है यहाँ पे। पापा को हंसी आ रही है, और यहाँ हम सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। आज का दिन वैसे भी बहुत एंजॉय करा था, तो बस सब बातें कर रहे हैं, और बस थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग रवाना होंगे। ये मेरे अंकल हैं और ये मेरे पापा। बस अब लोग हम लोग यहाँ पे अब बस में चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं सब जने, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग रवाना होंगे।
बहुत ही थक चुके हैं, थकान पूरी चेहरे पे नज़र आ रही है। तो बस, और ये है हमारी कुल देवता का मंदिर, जहाँ हम गए थे अभी वो पहाड़ी पे माता रानी का मंदिर था हमारी कुल देवी का, और ये यहाँ पे उसी गांव में ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। तो हम यहाँ पे भी धूप लगने आए हैं। और ये है हमारे कुल देवता, यहाँ पे सब लोग उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ। सब लोग थोड़ी देर यहाँ पे भी आराम कर रहे हैं, थोड़ा बैठ करके फिर हम जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारे कुल देवता की यहाँ पे भी चौकी होती है, तो यहाँ पे भी जो मंदिर के सेवक होते हैं उनको देवता पधारते हैं। तो ये यहाँ पे भी बहुत मान्यता होती है, सभी लोग बहुत मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अब ये हम फाइनली आ चुके हैं हमारे स्वीट से घर पे, जो कि सबसे अच्छा लगता है घर। और ये मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, और थकान मेरे चेहरे पे साफ नज़र आ रही है। हेलो एवरीवन, अब हम बहुत थक चुके हैं, फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और अब बस हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब ये फाइनली बच्चे थक हार के और ये सो गए हैं, ये पूरी रात जागने का नतीजा है। तो शाम के 6 बजे ऐसे सोए हुए हैं, ये देखो इनको। और दूसरा ये मेरा पीता, ये देखो इसको, ये भी सोने की तैयारी में, अब आंखें थोड़ी थोड़ी इसकी खुली है और ये भी बहुत थक चुका है, अब ये भी रात भर नहीं सोया है, बस अब ये भी सोने की तैयारी में है। और अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। तो फिर मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं आप। तो आप सब लोगों को मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा गांव कैसा लगा, आपको मेरी फैमिली कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना।